हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और हम लोग देख रहे हैं क्या मैथ का पांच कदम और इस सेशन को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सभी कंपटीटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको प्रीवियस ईयर 2018 में एलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेई में पूछा हुआ प्रश्न लेके आया हूँ। कैसा प्रश्न एग्जाम में पूछता है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, तो आपको सबसे पहला सवाल मिलेगा ये, कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय किया। चाल नहीं दिया गया, आपको दूरी दिया गया है कि 90 किलोमीटर की दूरी किसी गति से तय किया, यानी कि हम मान लेते हैं गति कोई एक्स है, ठीक है। यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, यानी कि गति x था, तो अगला जो दूरी तय किया x माइनस 3, 3 किलोमीटर गति कम कर दिया गया, तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटा समय ज्यादा लगा। अब चल रहे हैं कोई स्पीड से, x स्पीड से चल रहे हैं, 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है, अब हमको 3 किलोमीटर कम कर देना है, तो वाजिब है कि लेट से पहुंचेंगे, तो 5 घंटा का समय लग जाता है। तो कृष्णा का वास्तविक गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, चलिए आइए हम इसको बनाते हैं। देखिए ऐसा सवाल आए तो आपको एक ही बात याद रखना है, दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणे क्या होता है, समय का अंतर। क्या होता है, समय का अंतर। इसको ध्यान में रखिएगा इस तरह का प्रश्न जब आए। चलिए हम लोग बनाइए, दूरी आपको दिया गया है, क्या है दूरी आपका कितना है, 90 किलोमीटर, चालों का गुणनफल, चलिए चाल नहीं दिया है तो क्या है, मान लिया जाए कि गति क्या है आपका, मान लिया जाए कि गति क्या है, गति यानी कि चाल जो है आपका एक्स किलोमीटर है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो उसने दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, यानी कि एक्स माइनस 3 फिर हो जाता है, एक्स माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, यानी कि जो आपका स्पीड 1 है वो एक्स किलोमीटर और स्पीड 2 है जो एक्स माइनस 3 किलोमीटर है। चलिए तो चालों का गुणनफल, चाल क्या है आपका एक्स है जी, और दूसरा चाल क्या है एक्स माइनस 3 है, तो ये हो गया चालों का गुणनफल। अब चालों का अंतर पूछ रहा है, बटा में क्या है, चालों का अंतर, तो एक्स एक्स माइनस 3 ये चाल का अंतर हो गया। समय का अंतर यानी कि 5 घंटा, कितना समय है 5 घंटा, मिनट में रहता इसको घंटा में हम लोग चेंज कर दे, लेकिन घंटा में दिया गया तो ये 5 के 5 रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको इसको काट देंगे तो 18 बार में कट जाएगा जी, तो 18 बराबर जो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, देखिए एक्स माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं, ये कट जाएगा आपको, तो ये क्या हो गया आपका, बन गया द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 18 54 माइनस 18 54 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस क्या हो जाएगा 54, तोड़िएगा तो यही ना होगा, कैसे तोड़ेंगे, इसको इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 54 आएगा, और 54 को ऐसा टर्म में तोड़िए कि माइनस 3 यहाँ पे आए, तो 9 और 6 को 54, तो माइनस 9 और प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो उसी तरह से तो किए हैं माइनस 9 और प्लस 6, तो देखिए तो इसको घटाइए तो क्या आ जाएगा माइनस 9 और 6 क्या करेंगे करें तो माइनस 3 आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 54 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग तोड़ते हैं, द्विघात समीकरण आप सभी लोग जानते हैं, इसको कॉमन लीजिए, इसको इसको कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लीजिए तो यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 9 प्लस क्या हो जाएगा 6, यहाँ 6 कॉमन लीजिए तो x माइनस 9 बचेगा यहाँ पे बराबर क्या हो गया 0, तो x माइनस 9 बराबर 0 एक आ गया, एक आ गया x प्लस 6 बराबर 0, तो आपका निगेटिव वाला मान नहीं होता है, तो आपका क्या होगा पॉजिटिव वाला मान, यानी कि x माइनस 9 बराबर 0, यानी कि x बराबर 9, तो जो वास्तविक आपका गति था किलोमीटर कितना घंटा में था, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा था, कृष्णा की वास्तविक गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। बस
कैलकुलेशन थोड़ा सा है, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। जब आप समझ जाइएगा बनाने के लिए तो इतना भी नहीं करना पड़ेगा, आप शॉर्ट में स्टेप को और कम स्टेप में बना सकते हैं। तो आपको देखने में लग रहा होगा कितना बड़ा है, लेकिन आप आसानी से एक मिनट के अंदर ये बना सकते हैं अगर आप समझ गए होंगे तो। आपको ये बात याद रखना है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर, ये आप याद रखिएगा, बाकी आपको आसानी से सवाल बन जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे चलिएगा तो अगला प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेगा बहुत ही बेहतरीन अंदाज में एवरेज का। 10 छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का औसत क्या है? 20 है, यानी कि 10 छात्रों का औसत जो 20 है तो क्या हो गया, टोटल अंक क्या हो गया, 10 गुने 20 हो गया जी, यानी कि 200 अंक। क्या हो गया? 200 अंक। यदि समूह में से एक छात्र निकाल लिया जाए तो शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है। अब इसमें से क्या करना है, एक को निकाल देना है, तो 10 पहले छात्र था, एक निकल गया तो कितना बचा, 9 छात्र, 9 छात्र बचा तो उसका औसत पहले 20 था, अब कितना हो गया औसत, 21 हो गया, तो टोटल अंक कितना हो गया जी, 9 गुने 21 हो जाएगा कितना, आपका हो गया 9 और 9 दुनिया 18, 189। तो निकाले गए छात्र का अंक क्या, निकाले गए समूह से निकाले गए छात्र का अंक कितना हो गया, छात्र का अंक हो गया आपका 200 माइनस 189, यानी कि 11 अंक। निकाला गया जो छात्र था उसका कितना अंक था, 11 अंक। अब सवाल पढ़िए, पुनः एक छात्र को शामिल होने पे प्राप्तांकों का औसत घटकर इतना हो जाता है। अब 9 बचा, अब 9 में एक और ऐड कर दे रहा, यानी कि 10 छात्र फिर हो गया, तो उसका जो औसत हो रहा वो हो जा रहा 20.6 हो जा रहा, यानी कि कुल प्राप्तांक की संख्या क्या हो गया, ये हो गया 206। जब 10 में 20.6 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ गया, 206। अब बताइए जो समूह में जोड़ा गया यानी कि शामिल किए गए छात्र, शामिल किए गए छात्र का अंक जो हो गया आपका, शामिल किए गए छात्र का अंक 206 में से घटा देंगे क्या, 189, यानी कि आपका 11 और 6 17, शामिल किया गया छात्रों का अंक क्या हो गया, 17 हो गया। सवाल क्या कह रहा, समूह से बाहर किए गए छात्र और समूह में नए शामिल किए गए छात्र का प्राप्तांकों का औसत क्या हो गया, दोनों का क्या हो गया जी, 11। जो हटाया गया छात्र का संख्या जो हो गया अंक का 11 है, और शामिल किए गए छात्र का संख्या क्या है, 17 है, और यही दोनों को औसत पूछ रहा, यानी कि बटा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, टोटल जोड़िए 28 बटा क्या हो गया, 2, यानी कि कितना हो गया जी, इसका औसत जो हो गया 14, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समूह में शामिल किया गया विद्यार्थी और समूह से हटाए गए विद्यार्थी का औसत जो हो गया प्राप्तांक वो 14 हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, बहुत बेहतरीन ये भी। 2 पाइप बारी बारी से काम करते हुए क्रमशः 2 और 3 घंटा में किसी टंकी को भरता है। एक पाइप है जी जो 2 घंटे में भर रहा, एक पाइप है दूसरा पाइप जो 3 घंटे में भर रहा, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 6 घंटा में खाली कर देती है। जब टंकी 1/6 भाग भरी हुई है तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह से कितना देरी में भरेगी। पहला पाइप 2 घंटे में भर रहा है, ठीक है, दूसरा पाइप क्या कर रहा है कि 3 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप है जो खाली कर सकता है, यानी कि माइनस कितना देरी में जी, 6 घंटे में। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेते हैं सर, 2, 3, 6 का एलसीएम क्या हो गया, 6, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 3, बी का एफिशिएंसी 2 और 6 का एफिशिएंसी 1। अब कह रहा कि 1/6 भाग भरा हुआ था टंकी, क्या था, 1/6 भरा हुआ था टंकी, तो उस समय तीनों पाइप के साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितना समय में भरेगा। 1/6 भरा हुआ था, खाली कितना था, 6 में 1 भाग भरा हुआ था तो खाली कितना था, 5/6। बात समझे, 6 में से 1 भाग भरा हुआ था तो 1 भाग भरा हुआ है तो बचा कितना, 5, यानी कि 5/6 भाग खाली था, 5/6 भाग यही तो भरेगा जी, 5/6 भाग भरने में लगा समय, भरने में लगा समय निकालना है आपको,
लगा समय आपको निकालना है जी, तो क्या आएगा 5/6 × एलसीएम क्या था 6, उसके बाद आपको ये दोनों को ऐड कर देना है क्योंकि ये टंकी को भर रहा, ये क्या कर रहा है खाली कर रहा, तो इसको इसको ऐड करिएगा तो 3 × 2 = 5 हो गया, और 1 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो आ गया क्या 5/4 घंटा। अब देखिए तो ऑप्शन ऑप्शन में तो है ये ना है सर, तो इसको क्या करेंगे हम लोग मिनट में चेंज कर देंगे, तो इसको क्या आ जाएगा 1 × 1/4। अब इसको गुना कर देंगे 60 से तो ये कट जाएगा 15 बार में, तो 1 घंटा क्या आ गया 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में क्या हो जाएगा जब तीनों पाइप को खोल देंगे तो आपका टंकी भर जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार आप आसानी तरीके से बना सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। ए एक पाइप था 2 घंटे में भर रहा, बी एक पाइप था 3 घंटे में भर रहा, और सी पाइप है जो खाली कर दे रहा 6 घंटे में। इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, यहाँ तक आपको पता है आसानी तरीका से। अब जो ट्विस्ट है आपको यहाँ पे है, जब टंकी 1/6 भरी हुई थी तो तीनों पाइप को खोला जाता है, जब 1/6 भाग भरा हुआ था पूरा टंकी खाली नहीं था, 1/6 भरा हुआ था यानी कि खाली कितना था, तो 6 में 1 भाग भरा हुआ था तो खाली कितना था 5/6 भाग, तो भरेगा ये तीनों पाइप 5/6 भाग, तो 5/6 भाग भरने में लगा समय 5/6 × टोटल 6 बटा में क्या हो जाएगा जो पाइप भर रहा है उसको ऐड करेंगे, जो पाइप खाली कर रहा है उसको घटा देंगे, तो आपका 3 × 2 = 5 में से 1 = 4। अब ये आ गया आपका यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे, अगला सवाल बढ़ते हैं, समझ गए हैं तो अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन। 5 आदमी या 10 औरत, यहाँ पे समझने वाली बात है, या और अथवा ये सब। या कहेगा तो क्या हम या आप दोनों में से कोई एक, और बोलेगा तो हम और आप दोनों। या में क्या होता है चाहे तो हम चाहे आप, और में चाहे हम और आप दोनों, और में क्या होता है दोनों, और या में क्या होता है हम या आप, और अथवा में भी वही आप एग्जाम देते हैं तो क्या होता है क्वेश्चन नंबर 2 और में रहेगा ये, यानी कि ए फर्स्ट वाला बनाइए या और वाला बनाइए, दोनों तो बनाने के लिए नहीं देता है, कोई एक बनाना है, तो यहाँ पे भी बात समझना है। 5 आदमी या क्या है और है 10 औरत, क्या है 10 औरत है जी, एक कार्य को 20 दिन में कर रहा, एक कार्य को क्या कर रहा 20 दिन में कर रहा, यानी कि 5 आदमी या 10 औरत, यानी कि 1 आदमी बराबर क्या हो जाएगा, 1 आदमी बराबर क्या होगा 2 औरत, यानी कि 2 औरत बराबर क्या है 1 आदमी, और 1 आदमी बराबर क्या है 2 औरत, है ना, यहां तक आप समझ गए होंगे। तो आगे चलिए, 3 आदमी और 4 औरत, 3 आदमी और 4 औरत एक काम को कितना दिन में करेगा, 3 आदमी और 4 औरत एक काम को कितना दिन में करेगा, एक चलिए यहां से 5 आदमी कर रहा है क्या 20 दिन में काम कर रहा है एक काम को, तो 3 आदमी और 4 औरत एक काम को कितना दिन में करेगा, तो 3 आदमी है जी, औरत को आदमी में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो 4 औरत बराबर क्या होगा 2 औरत बराबर 1 आदमी, तो 4 औरत बराबर 2 आदमी, तो यहाँ पे 2 आदमी, तो ये क्या हो गया 3 और 2 = 5 आदमी हो गया, तो क्या हो गया 5 आदमी कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा डी निकालना है, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या आ गया D = 20, क्या आ गया आपका D = 20, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से बना सकते हैं, समझे, 5 आदमी या 10 औरत एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, 1 आदमी बराबर क्या हो यहाँ से निकल के आया काट दिए, तो 1 आदमी बराबर क्या 2 औरत यानी 1 आदमी। अब 3 आदमी और 4 औरत किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, तो आदमी को आप औरत में कन्वर्ट कर लीजिए या औरत को आदमी में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ से 1 आदमी बराबर 2 औरत होते हैं, तो यहाँ से आप हम आदमी में चेंज कर लिए, तो 3 आदमी और 4 औरत = 2 आदमी, तो कितना टोटल आदमी हो गया 5, तो 5 × 20 यानी कि यहाँ से 5 आदमी 20 दिन में कर रहा, तो 5 आदमी कितना दिन में करेगा, यहाँ से भी आ गया
टोटल, तो आपका जो निकल के आए 20 दिन। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल, यदि 60/75 के समतुल 4/x है तो x का मान ज्ञात करें। समतुल मीन्स बराबर होता है जी, तो 60/75 का समतुल मीन्स बराबर 4/x है तो x का मान ज्ञात करना है। इसको इसको काटेंगे 15 बार में और 15 5 क्या हो जाएगा 75, ये कट जाएगा तो x बराबर जो निकल के आ गया 5, आराम से 5 लगा देंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बना सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न आते हैं और हमेशा पूछे जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए, आप आराम से लगा सकते हैं। नहीं समझ में आया दोबारा आप वीडियो को देख लीजिए, और फिर भी नहीं आए तो कमेंट कीजिए, अगर समझ में आया है तो लिखिए सुपर सर नाइस, और नहीं समझ में आया तो पूछिए प्रश्न, और अच्छे लगे वीडियो को शेयर कर दीजिए। नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।